नमस्कार, स्वागत है आपका कमौजी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। फोकस है मॉनसून की चाल पर। जी हां, एक धमाकेदार शुरुआत के बाद और समय से 3 दिन पहले केरल में दस्तक देने के बाद अब मॉनसून की चाल थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जगह जगह, अगर भारतीय मौसम विभाग के फोरकास्ट की माने तो जगह जगह अभी भी उत्तर भारत, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव की समस्या अभी भी बरकरार है। तो ऐसी स्थिति में आगे मॉनसून की चाल कैसे रहने वाली है? क्या इसमें देरी होने वाली है? क्या मॉनसून के जो अपडेट्स हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है? इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ स्काईमेट के, जो कि एक प्राइवेट वेदर ब्यूरो है, उसके वरिष्ठ साइंटिस्ट महेश पलावट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी नमस्ते, स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सर, अब हम यहां से जानना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे करके एक ट्रेजिक्ट्री होती है जिसको फॉलो करके मॉनसून पेनिनसुलर इंडिया को कवर करके ऊपर आता है। अमूमन अगर मुंबई की बात करें तो 8 से 10 जून तक यहां पर आगमन हो जाता है। क्या मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है? क्या कुछ देरी की संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, अभी तक जो मानसून है वो समय से आगे चल रहा है, यानी कि जहां जहां पहुंचना चाहिए उससे समय से पहले पहुंचा है। लेकिन अगर हम बात कर मुंबई की और महाराष्ट्र की, तो यहां पर अभी समय लगेगा। और वैसे तो मुंबई में 8 से 10 के बीच में पहुंच जाता है, तो हो सकता है कि 10 से 12 के बीच में मानसून पहुंच जाए। लेकिन जो, क्योंकि मानसून अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और साउथ पेनिनसुला में भी जो बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी बारिश हो रही है। तो महाराष्ट्र के लिए अगर हम देखें तो 7-8 तारीख के आसपास या 8-9 तारीख के आसपास मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ भागों में अच्छा स्तर हो सकता है। लेकिन मुंबई और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, जैसे कि आपका जलगांव, मालेगांव, नासिक, पुणे, ये जो इलाके हैं, मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों को इंतजार करना पड़ेगा। मानसून तो पहुंच जाएगा लेकिन बारिश बहुत ज्यादा शुरुआती दौर में नहीं होगी, कम से कम जब मानसून पहुंच जाएगा एक हफ्ते बाद तक। सर, महाराष्ट्र एक इम्पोर्टेंट खेती का बेल्ट हो जाता है। इसके अलावा हम ओवरऑल अगर मध्य भारत की बात करें, उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों की बात करें, तो खेती के लिहाज से ये इलाके खासतौर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे बताइए, क्या इन एरियाज में मॉनसून के देरी से पहुंचने की संभावना है? क्या बारिश कम ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है? ऐसी कोई आशंका है? देखिए, अभी तो मानसून का समय है क्योंकि ये 6 जून हुआ है और 10 जून तक नॉर्थ बंगाल में पहुंचना है, लेकिन पहले पहुंच गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मध्य है, खास करके जो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हाँ, और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन इलाकों में मानसून समय पे ही पहुंचेगा ऐसा उम्मीद है। यानी 1-2 दिन की या 2-4 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन जो जून का जो पहला पखवाड़ा है, यानी कि 15 जून तक या 16 जून तक बारिश बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। यानी मानसून पहुंचेगा लेकिन मानसून की बारिश कम रहेगी। तो मेरा और क्लाइमेट की तरफ से यही है, जो किसान भाई हैं वो थोड़ा सा वेट करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मानसून डिक्लेयर करते हैं, मौसम विभाग जब मानसून क्षेत्र में डिक्लेयर कर देता है, तो लोगों को ये आशा हो जाती है कि अब 2-4 दिन में अच्छी बारिश होगी और वो फसल की बुवाई शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मानसून डिक्लेयर होने के बाद भी कम से कम 1 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब बारिश अच्छी होगी, जो मुझे लग रहा है कि 17-18-19-20 तारीख से कई इलाकों में, खास करके मध्य भारत और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां अच्छी हो जाएंगी, उस समय थोड़ा सा जो फसल की बुआई वगैरह का काम शुरू कर सकते हैं। सर, ये 2022 का मॉनसून आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो ऑलमोस्ट हफ्ते दर हफ्ते इसकी एनालिसिस होती है, फिर आप फोरकास्ट यहाँ पर निकालते हैं। अभी शायद 4 महीनों का अपडेट आपके लिए देना मुश्किल हो, लेकिन ऑल इन ऑल इस बार मॉनसून को लेकर स्काईमेट का फोरकास्ट कैसा है? और गोइंग फॉरवर्ड क्या 15-16 जून के बाद माने कि ये अपनी नॉर्मल रफ्तार पकड़ के समय से बाकी सारे खेती वाले इलाकों पर में समय से पहुंच जाएगा? जी हाँ, ये क्या है कि इस समय लानीना चल रही है और अल्लीनो अगर होता है तो मानसून को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लानीना पिछले 2 साल से चल रही है जिससे मानसून अच्छा रहा है। इस बार भी हमें सामान्य मानसून की उम्मीद है और खास करके जैसे आपने बताया कि 20 तारीख के बाद से उम्मीद ये है कि जो भी जो एग्री बेल्ट है उसमें बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मानसून जोर पकड़ने लगेगा। उसके बाद क्या है कि जुलाई का महीना भी काफी अच्छा दिखेगा, निकलेगा। अगस्त और सितंबर में नॉर्मल मानसून की बारिश रहेगी, कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मानसून अच्छा ही रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि जो हमने 98% लॉन्ग पीरियड एवरेज का बताया है और मौसम विभाग ने 99 बोला था, अब उन्होंने बढ़ाकर 103% कर दिया है। तो इस अगर दोनों एजेंसी को देखा जाए तो उसके लिहाज से मानसून अच्छा ही रहेगा।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाँ, थोड़ी घबराहट पहले लग रही थी कि मॉनसून की चाल यहाँ पर थोड़ी धीमी होती लग रही है, लेकिन घबराने की बात है नहीं। जैसे कि आपने महेश पलावट जी को ही सुना कि 15 जून यानी कि मिड जून के बाद जो भी थोड़ा बहुत धीमापन है वो कवर अप हो जाएगा और एटलीस्ट खेती वाले इलाकों में मॉनसून समय से पहुंचेगा और अच्छी बारिश की पूरी पूरी संभावनाएं आने वाले 4 महीनों में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो वहां पर कोई चिंता फिलहाल बनती हुई दिख नहीं रही है। चलिए, कमोडिटी मार्केट में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। खासतौर से नॉन एग्री स्पेस में देखा जाए तो निचले स्तरों से अधिकतर कमोडिटीज में हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है तो उसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार को मिला और घरेलू बाजार में भी हमने एक दायरे में कमजोरी के साथ ही रुपए को ट्रेड करता हुआ देखा, इसका भी दोहरा सपोर्ट रहा है। हमारे साथ शाम के ट्रेड में मदद करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। बताइए, सोने चांदी में क्या किया जाए? आज चांदी ने खासा प्रदर्शन दिखाया है बेस मेटल्स को ट्रैक करते हुए, सोने और चांदी शाम के ट्रेडिंग सेशन के लिए राय सर। नमस्कार यार, डेफिनेटली सोना चांदी की अगर हम बात करते हैं, मार्केट मोमेंटम तो अच्छा बना है, लेकिन आप जाने के सेशन में हमने देखा भी था कि मार्केट हायर लेवल से वापस बिकवाली बनते हुए दिखाई दी थी, तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। जहाँ 50,850-900 के करीब मिलता है वहाँ पे गोल्ड लेके चलिए, ऊपर में लिमिटेड है बट 51,350 तक का लेवल मिल जाएगा। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है क्योंकि $22 के नीचे हमने शुक्रवार को क्लोज देखा और आज गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा जो 22-30 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो उसी को देखते हुए लगता है 63,000 दिखा देगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के सोने और चांदी में चलना चाहिए। ओके, तो सोने और चांदी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर चलना चाहिए, तेजी पूरी दिख रही है। कच्चे तेल में क्या व्यू है, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने के हाइस पर है और हम देख रहे हैं कि सुबह से 122 के पास गया लेकिन उसके बाद रिट्रेस होके एक छोटे से $1 से $1.50 के ही इर्द गिर्द घूम रहा है और घरेलू बाजार भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। शाम के सत्र में खरीद बनेगी या फिर अवॉइड? देखिए, शुक्रवार के सेशन में लग रहा था कि मार्केट 92-92.50 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा बिकॉज ओपनिंग ने जिस ढंग से प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं और मार्केट एक रेंज में अटका हुआ है। टाइमिंग मुझे लगता है जब तक ब्रांड 120 के ऊपर बना हुआ है शॉर्ट से अवॉइड कीजिए, नो डाउट टेक्निकली ओवरबॉट है, करेक्शन देना चाहिए बट आई थिंक 91-80 के करीब मिलता है, लेके चलिए वेरी शॉर्ट टारगेट ऑफ 93-50-94-100, बट कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई कच्चे तेल में, तो टाइमिंग हम लेके चल सकते हैं 9400 के टारगेट के लिए। ओके, बेस मेटल्स में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज अच्छी खासी रिकवरी, खासतौर से कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल, जिंक की बात करें, यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी है और हो भी क्यों ना, एलएमई 2 दिन की छुट्टी के बाद खुला है, चाइनीज मार्केट्स एक लॉन्ग वीकेंड के बाद खुले हैं, तो सभी मार्केट्स में मेटल्स में अच्छी खरीद दिखी है। घरेलू बाजार में कॉपर थोड़ा लड़खड़ाया है, शाम के सेशन में क्या किया जाए? देखिए, कॉपर में शुक्रवार को जैसे हमने व्यू रखा था कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी क्योंकि डेटा पॉइंट शुक्रवार को भी नहीं था और उम्मीद थी कि जब एलएमई और चाइना खुलेगा तो एक बार इसका ओवरहैंग है वो थोड़ा कम अप होगा, तो मुझे लगता है वो ऑलरेडी हो चुका है मॉर्निंग सेशन में 792-93 की रेंज में लेके चलिए, प्राइजेस 800 या 800 के ऊपर आज के सेशन में देखने मिलेगा। डेटा पॉइंट कुछ खास नहीं है बट ये हफ्ते में मेरे को लगता है कि बेस मेटल में पॉजिटिव रहेगा जिसमें कॉपर 800 के ऊपर वापस जाता हुआ दिखाई देगा, तो कॉपर में लेके चलिए। ओके, इंटरेस्टिंगली कच्चा तेल ऊपर है लेकिन ग्वार सीड, ग्वारगम यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती हावी है, 1.5% दोनों ही हम देख रहे हैं कमोडिटीज नीचे हैं, क्या किया जाए? देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही डिफरेंट व्यू दिखा रहे हैं। टेक्निकली नो डाउट 58 के नीचे मार्केट थोड़ा वीकनेस जरूर दिखा रहा है बट जिस ढंग से मानसून ऑनसेट है और साथ में रिग काउंट के अंदर स्टेबिलिटी है ये प्राइस को सपोर्ट करे, तो आई थिंक ऑलरेडी करेक्ट ले चुका है मार्केट। आई थिंक थोड़ा देखकर 5660 के करीब लेके चलिए, 5580 के स्टॉप लॉस से एक बाउंस मार्केट में जरूर बना हुआ बट पोजीशन थोड़ा सा कम करके चलिए क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए पिछले 2-3 दिनों में ट्रेड्स में। मुझे लगता है 5660 पे बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए, यहाँ से लेके चलिए 5800 तक का एक रिट्रेसमेंट देखने मिल जाएगा। ओके, चलिए केडिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में शाम के सत्र में एंड ऑफ कोर्स एग्री स्पेस में कहां कहां कमाई के मौके हमको कल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को यहीं विराम लगाते हैं लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आपके लिए पेश करेंगे न्यूज़ लाइव।